खेत में धान की खेती के लिए बहुत कम पानी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ चावल की खेती के लिए पुराना तरीका अपनाते हुए खेत में पानी भरा नहीं जाता। खेत में चावल या धान की खेती के लिए इनोवेटिव तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसे DSR मेथड यानी डायरेक्ट सीडिंग राइस तकनीक कहा जाता है। इस तकनीक में चावल के बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं और पुराने तरीके से दोबारा रोपाई नहीं होती है। जानकारों के मुताबिक DSR तकनीक के कई फायदे हैं, मसलन पानी कम लगता है और इनपुट लागत भी कम आती है। पंजाब में आपको भी पता है पानी का लेवल नीचे जा रहा है, तो DSR करेंगे तो कम से कम, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, 20-25% पानी की बचत हो जाती है। हम उस कोशिश में लगे हुए हैं भी जो आप सीड लगाने हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं शुरू के अपन 4000 तो लैके 4500 रुपया पर एकड़ लेबर नू देना पैंदा। तो जिहड़ी आप डायरैक्ट सीड बिजाई करते हैं ये सुके दे किराया लवा के ते अपना बीज 7 किलो पा के बीज दिंदे आ, 4000 रुपया पर एकड़ अपना उत्थे बच जांदा। DSR तकनीक से सिंचाई के लिए पानी 25-30% कम लगता है। इससे पर्यावरण को भी फायदा पहुंचता है। DSR तकनीक से खेती के दौरान खेतों में पानी नहीं भरा जाता। इससे मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों का निकलना भी 30% तक कम हो जाता है। This also has a beneficial effect on emissions in terms of greenhouse gases. Again, since it does not require flooding of the paddies, it reduces methane by up to 70%. DSR तकनीक में पानी का इस्तेमाल कम होने से बिजली खर्च कम होता है। दोबारा रोपाई ना होने से मजदूरी की लागत भी कम होती है। इस तकनीक में बीजों को सीड ड्रिल मशीन के जरिए सीधे नम खेत में बोया जाता है, लिहाजा सिर्फ 1/3 बीज की जरूरत पड़ती है और बीजों की लागत में कमी आती है। पारंपरिक तरीके में हर एकड़ खेत में बीज की खपत करीब 24-25 किलो होती है। DSR तकनीक में एक एकड़ जमीन के लिए सिर्फ 8 किलो बीज की जरूरत है। So you really need to have a variety which can dominate the weeds. So in terms of seedling vigor, the rate at which the plant grows, the canopy that it puts up, the biomass that puts up. So it has to be dominating as compared to the weed profile in the soil. So for those kind of traits, hybrids are much more suited. कई कंपनियों ने कुछ हाइब्रिड बीज भी डेवलप किए हैं। DSR तकनीक से इन बीजों के इस्तेमाल से चावल की उपज बढ़ जाती है। DSR तकनीक में फसल की कटाई 7-15 दिन पहले हो जाती है। इससे किसानों को पराली मैनेजमेंट के लिए ज्यादा वक्त मिलता है और पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी आती है। देश भर में करीब 360 लाख हेक्टेयर खेत में धान की खेती होती है। इसमें से 10% खेती सीधी बुआई या DSR तकनीक से की जा रही है। पानी की कम खपत और कम लागत की वजह से केंद्र और राज्य सरकारें भी DSR तकनीक को बढ़ावा दे रही हैं।